हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग का टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरे साड़ी के कलेक्शन। ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा साड़ी से मैं स्टार्ट करूँ। मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने सारे साड़ी है ना, ये सारे के सारे मेरे शादी के टाइम का ही है। एक तो साड़ी ऐसा है कि जो कि मैं रिसेंटली खरीदी हूँ या तो फिर शादी के बाद खरीदी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। इसको बोलते हैं मुर्शिदाबादी सिल्क। ये शादी के टाइम पे मेरे मम्मी ने मुझे दिया था। ये शादी के बाद लड़कियों को बहुत ज़्यादा साड़ी पहनना होता है ये वो, लेकिन मेरे लिए पूरा उल्टा है। शादी के बाद साड़ी इतना ज़्यादा पहनना ही नहीं होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना। हमारा जो होम टाउन है ना मुर्शिदाबाद, तो वहाँ का ये स्पेशल साड़ी है, मुर्शिदाबादी सिल्क। यानी मुर्शिदाबाद का ही एक सिल्क साड़ी है जो कि कुछ ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है और थोड़ी थोड़ी सी रॉयल ब्लू भी इसमें टच है ना। कितना बढ़िया, बहुत सुंदर है। तो ये इसका पल्लू है, ठीक है, और ये है फुल बॉडी। कितना सुंदर है ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया। सारे ब्लाउज के साथ मैचिंग पेटीकोट्स और ब्लाउज है, लेकिन वो इतना सब कुछ मैं नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं ये वाला साड़ी में। ये मेरे ससुराल से मुझे दिया था शादी के टाइम पे। इसको शायद क्या बोलते हैं, ओपारा सिल्क ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। और भी मेरे पास जो बाकी का साड़ी है ना, वो यहाँ पे नहीं है। वो कुछ कुछ मेरे मायके में है, कुछ कुछ मेरे ससुराल में है, तो इसलिए सारी साड़ी तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरे पास जितना सारा है उतना ही मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये है एक ओपारा सिल्क और ये ना फुल बॉडी आपका ऐसा प्लेन मिलेगा और पूरा नीचे के हिस्से में ऐसे डॉट डॉट बना हुआ कुछ डिज़ाइन यहाँ पे है। और इसका आँचल कहाँ गया? यस, ये देखिए इसका आँचल इतना सुंदर है ना। आँचल इसका ऐसा है, ये देखिए आँचल में बहुत सुंदर ऐसा एक डिज़ाइन भी बना हुआ है। बहुत सुंदर है ये वाला साड़ी। हर एक साड़ी मैंने मुश्किल से दो बार शायद पहना होगा, कोई कोई साड़ी तो एक बार मैंने पहना है। ऐसा भी साड़ी है जिसको मैंने एक बार भी नहीं पहना है, ठीक है। और ये वाला साड़ी जो है, ये तो मैंने दिवाली के टाइम पे दिवाली के टाइम पे मैं खरीदी थी, राइट, दिवाली के टाइम पे या तो फिर दुर्गा पूजा के टाइम पे, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। इसी साल मैं खरीदी थी, लेकिन ये अभी तक पहना नहीं हुआ है। दिवाली में मैं पहनूंगी सोच रही थी ससुराल में हमारे मंदिर में, लेकिन उस दिन मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया तो ये वाला मैं और पहन नहीं पाई। तो मैंने एक दूसरा वाला पहनी थी, वो भी नेक्स्ट दिन भाई दूज के दिन, और जिस दिन मेरा बर्थडे भी था। हाँ, तो ये वाला साड़ी अभी तक मेरा नया है, वैसे का वैसे ही टैग लगा हुआ है। ये हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक साड़ी है। सारी साड़ी में ना वैसे का वैसे ही हैंगर लगा हुआ है। ये एक नॉर्मल डिज़ाइनर साड़ी है और मैं ना आपको यहाँ पे बोल देती हूँ कि मुझे ना हर एक साड़ी का नाम नहीं पता, ठीक है। तो ये एक डिज़ाइनर साड़ी है जो कि मुझे शादी में गिफ्ट में मिली थी और फुल बॉडी इसका कुछ रेड और ऑफ वाइट के डिज़ाइन में ऐसा बना हुआ है। ये देखिए, ये साड़ी तो शायद आप लोगों ने मुझे पहनते हुए देखा है शांतनु भैया के शादी के टाइम पे। ये उसी दिन मैं फर्स्ट पहनी थी और अभी तक के लिए लास्ट पहनी थी, ठीक है। ये मेरा 3 साल पुराना साड़ी है जो कि मुझे शादी के टाइम पे गिफ्ट में मिली थी, लेकिन 3 साल बाद जाके कुछ ही महीने पहले शांतनु भैया के शादी में ये फर्स्ट टाइम मैंने पहनी थी। तो ये तो आप लोगों ने शायद प्रीवियस ब्लॉग में देख ही लिया था कि फुल बॉडी इसका ऑफ वाइट में है और नीचे कुछ ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है और साथ में ये है इसका पल्लू। सुंदर है ना। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ आज इस ब्लॉग का जो मेन अट्रैक्शन है वो, और वो है ये वाला साड़ी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेमोरीज, सब कुछ है। आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा। जी हाँ, ये है मेरा शादी का साड़ी। तो ये है बेनारसी जो कि मेरे मायके से दिया गया था और ये मैं खुद मम्मी के साथ और भाभी के साथ जाके ये साड़ी मैंने चूज की थी। तो देखिए कितना सुंदर है ना। ये वाला साड़ी देखते ही ना मुझे वो शादी वाला दिन मुझे याद आ गया। हाय, कितना मेमोरेबल है ये साड़ी सीरियसली। और ये ना बस दो बार ही पहनी थी, एक बार मैं अपने शादी के दिन और एक बार जब मेरी चाचू की बेटी की जब शादी हो रही थी ना मेरी कजिन सिस्टर की, उस टाइम पे उसके रिसेप्शन में ही मैं ये साड़ी पहनी थी। इतना अच्छा है ना ये साड़ी। फुल बॉडी ना ये है, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन फुल बॉडी में है और ये आएगा नीचे जो कुची बोलते हैं ना वहाँ पे, यानी फ्लेयर्स जो है वहाँ पे ये वाला हिस्सा आता है और ये है इसका आंचल या तो फिर पल्लू, आप कुछ भी बोल सकते हो इसे। बहुत गॉर्जियस है, सच में बहुत गॉर्जियस है ये साड़ी। मतलब अभी तक ना मुझे वो स्मेल मिल रही है मेरे शादी वाला दिन का, परफ्यूम वगैरह, रोजेस, ये सब कुछ स्मेल अभी भी ना मुझे इस साड़ी से मिलती है सच में।
नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको ये एक साड़ी विच इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर। इसको शायद मैं एक दो बार पहन चुकी हूँ, उससे ज्यादा नहीं फॉर श्योर। तो ये है जामदानी तात, ये भी मेरे मायके से शादी के टाइम पे दिया गया था। तो ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट साड़ी है, जो कि मैं खुद मम्मी के साथ में जाके खरीदी थी। तो ये देखिए, इसका फुल बॉडी जो है ऐसा थोड़ा हल्का में ही ये है, यानी इतना ज़्यादा इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं है। और ये देखिए, ये है इसका पल्लू, कितना सुंदर है ना। मुझे तो ये बहुत पसंद आता है और मेरे ऊपर ना ये साड़ी बहुत अच्छा जचता है। मैं तो बस ऑकेशंस की वेट करती हूँ कि कुछ भी ऑकेशन मिल जाए और ये सारे साड़ी मैं पहनूँ। सारे साड़ी के मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट से इतना महंगा महंगा टेलर से शादी के टाइम पे मैं और मम्मी दोनों मिलके जाके सारे महंगा टेलर से महंगा वाला डिज़ाइन ब्लाउज सब कुछ हम लोगों ने बनाया है, लेकिन इतना पहनना ही नहीं होता। नेक्स्ट ये एक गाउन है, ये देखिए, ये ना शादी के बाद ही मेरे सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। शादी के बाद जो हमारा फर्स्ट दुर्गा पूजा था ना, उस टाइम पे हम लोग कलकत्ता में रहते थे, तो उस टाइम पे मेरे सासू माँ ने मुझे ये वाला गाउन गिफ्ट किया था, जो कि अभी और मेरे मुझे फिट नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज है, लेकिन बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन ये ना एक बार मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे पहनी थी, उसके बाद एक कोई फ्रेंड के घर कुछ डिनर पार्टी था उनके वहाँ पे मैं एक बार पहनी, तो उसके बाद ये और पहना नहीं हुआ, साइज में ये टाइट हो गया है। लेकिन ये भी एक मेमोरी है ना, शादी के बाद फर्स्ट दुर्गा पूजा, मतलब साड़ी भी दी थी मम्मी ने, मेरे सासू माँ ने, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये गाउन भी उन्होंने दिया था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको अभी तक ऐसे ही रख दी हूँ कि नहीं ठीक है चलो ये एक मतलब मेमोरी है, सासू माँ की तरफ से दुर्गा पूजा का मेरा गिफ्ट है। और मेरे जो बनारसी साड़ी जो मैंने दिखाया ना शादी का, उसके साथ ये देखिए ये वाला ब्लाउज आता है, ये भी मैं और मम्मी जाके बनाई थी। इसका ब्लाउज का ये बाजू ना यहाँ तक आता है और पीछे के साइड में आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा एकदम पतला सा एक बॉर्डर काइंड ऑफ इसका डिज़ाइन मैंने रखी है, और ऐसे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। इसको तो बंगाली में लॉटकन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर है, ये देखिए बहुत सुंदर है। तो ये गया इसका ब्लाउज मेरा बनारसी का। अब चलते हैं ये वाला साड़ी की तरफ, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी, इसको मैंने बहुत बार पहनी है, बहुत बार। ये है बालू चूड़ी साड़ी, तो इसको भी मैं और मेरी मम्मी दोनों जाके शादी से पहले खरीदे थे स्पेशली शादी पर्पज के लिए ही। ये मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है और ये कलर भी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जचता है ना कि मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ सच बोलूँ तो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका फुल बॉडी कुछ ऐसा काम किया हुआ है, मैंने ना इसको उल्टा पकड़ा था, ये देखिए फुल बॉडी इसका ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, बहुत सुंदर है। ऑरेंज के साथ रॉयल ब्लू का एक कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर है। ये देखिए पूरा साड़ी ऐसा बना हुआ है, जगह जगह पे तो और भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं, सुंदर है ना। और इसका पल्लू है ये वाला, ये है इसका पल्लू, बहुत गॉर्जियस है, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस। ये ना एक ही बार देखने में ही मुझे पसंद आ गया था, फिर मेरे भाभी ने बोला कि तुम ये डेफिनेटली तुमको ये खरीदना चाहिए क्योंकि ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जचेगा। और आपको पता है ये बालू चूड़ी का प्राइस है ऑलमोस्ट मेरे बनारसी के बराबर का, मुझे प्राइस तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पर मुझे याद था बनारसी का जितना प्राइस है ना उतना ही प्राइस ये बालू चूड़ी का है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रिसेप्शन वाला साड़ी, ये देखिए ये रहा मेरा रिसेप्शन का साड़ी, जो कि मेरे ससुराल की तरफ से दिया गया था। ये भी बनारसी है, तो ये कलर मैंने चूज़ किया था, मेरे सासू माँ ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि तुमको कौन से कलर का बनारसी साड़ी चाहिए। तो फिर उस टाइम पे ना मेरे सारे दोस्त, जितने सारे दोस्त और नियर एंड डियर जिनका भी शादी हो रहा था, ये कलर बहुत ज़्यादा ना उस टाइम पे मतलब मार्केट में बहुत बिक रहा था, तो मुझे भी बहुत मन था कि तूते कलर, इसको ना बंगाली में तूते कलर बोलते हैं, तो मैंने सोचा था कि तूते कलर का मुझे एक बनारसी लेना है रिसेप्शन के लिए। तो फिर मैंने ये कलर उनको सजेस्ट किया था, ट्रस्ट मी इतना सुंदर है ये साड़ी, ये देखिए ये है इसका पल्लू, इतना सुंदर है ना पल्लू, इतना ज़्यादा गॉर्जियस है, बहुत पसंद आया मुझे। और इतना ज़्यादा ये हैवी है ना कि गर्मी के टाइम पे आपको इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जो कि मेरे लिए हुआ था, लेकिन चलो गेस्ट हाउस में एसी वगैरह सब कुछ प्रॉपर था इसलिए इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और फुल बॉडी ये है, इतना सुंदर है ना। और इसके साथ ब्लाउज वही से बनाया था, तो यहाँ का ब्लाउज मेरे रिसेप्शन का ब्लाउज थोड़ा सा सिंपल है। तो ये देखिए ये है मेरा रिसेप्शन का बनारसी साड़ी का ब्लाउज,
इतना सुंदर है ना। और इसके साथ ना पेटीकोट, हाँ ये देखिए पेटीकोट है। वैसे तो पेटीकोट दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ये वाला इतना ज्यादा गॉर्जियस है। चिकन करी का काम किया हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी रखती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इफ यू वॉन्ट टू बाई लाइक दिस। तो ये देखिए ये डिजाइन कितना अच्छा है ना, पूरा चिकन करी काइंड ऑफ है, दोनों साइड में सेम डिजाइन है, इसीलिए मैंने ये वाला रखा है कि नहीं ये आप लोगों से मुझे शेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला साड़ी के तरफ। ये भी शादी के टाइम पे ही मेरी मम्मी ने खरीद के दी थी, मतलब मैं और मम्मी दोनों मिलके एक साथ जाके खरीदी थी। और ये है कुछ पर्पल कलर के साथ पिस्ता कलर का एक कॉम्बिनेशन का साड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। मेरी हाँ मेरी भाभी भी थी एक्चुअली। साड़ी का जो सब कुछ शॉपिंग है ना, मैं मेरी मम्मी और मेरी भाभी तीनों मिलके किए हैं, तो तीनों का ये चॉइस है। तो ये देखिए फुल बॉडी इसका ऐसा है, पिस्ता कलर है पूरा बॉडी, और कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिजाइन बना हुआ है साड़ी के बीच बीच में, आप देख सकते हो। और इसका पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका पल्लू पर्पल कलर का, और साथ में कुछ ऐसे डिजाइन बना हुआ है, और एज में कुछ ऐसा काइंड ऑफ है, सुंदर है ना। ये साड़ी भी मेरे ऊपर बहुत जचता है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ मेरा एक बहुत ही फेवरेट लहंगा। तो मेरी कजिन सिस्टर के शादी के टाइम पे मैंने ये वाला लहंगा खरीदा था। जस्ट लुक एट दिस गाइस, इतना सुंदर है ना। ये देखिए इसका फ्लेयर काफी बड़ा है, काफी बड़ा। अभी तो मैंने ऐसे ना छोटा करके फोल्ड करके रखी थी, इसलिए इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा शायद। ये देखिए कमर है ये, और कमर पे मैंने ऐसा एक कुछ टांग दिया था, लॉटकन बोलते हैं जिसको, तो ये है। और कमर पे ना कुछ ऐसा बॉर्डर काइंड ऑफ डिजाइन बना हुआ है, और ये देखिए नीचे का कुछ ऐसा है, सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। और इसके साथ ऊपर का जो चोली है वो है ये, इतना सुंदर है ना। सामने हुक है इसका, ये देखिए, और ये है बैक साइड, इतना गॉर्जियस है ना ये वाला लहंगा कि क्या बोलूं। और ये है एक्चुअली डार्क पिंक जो होता है ना, रानी कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो इतना बढ़िया था कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। और इसके साथ जो दुपट्टा आया था, ये देखिए दुपट्टा भी काफी गॉर्जियस है, काफी गॉर्जियस। सी ये रहा इसका दुपट्टा, इतना सुंदर है ना, बहुत अच्छा लग रहा था ये जब मैं पहनी थी ना, मेरे ऊपर इतना जच रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी शादी के टाइम का ही है, मेरे मायके की तरफ से था। ये भी एक तांत है, इसको कौन सा तांत बोलते हैं रियली डोंट नो, लेकिन ये एक तांत काइंड ऑफ है। तो इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तूते कलर के साथ डार्क पिंक और बेबी पिंक का एक मिक्स है। और जो इसका नीचे का हिस्सा जो है ना, ये देखिए नीचे के हिस्से में कुछ ऐसा डिजाइन इसका बना हुआ है। तो इसका फुल बॉडी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है इसका फुल बॉडी। और ये एक ऐसा कलर है ना, ये अगर मैं पहनती हूँ, देखिए मेरे ऊपर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ा सा एजेड पर्सन जो है ना, जैसे कि मेरी मम्मी या तो फिर मेरी सासू माँ, अगर वो लोग भी ये साड़ी पहनेंगे ना, तो उनके ऊपर भी ये कलर बहुत अच्छा लगता है। मेरे सासू माँ ने ऑलरेडी मेरे यहाँ पे आके एक दिन ये साड़ी पहनी भी थी, तो मम्मी भी बोल रही थी कि ये इस साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है कि जो भी पहनेगा उसी को ये बहुत अच्छे से उसके ऊपर ना ये जचता है। और ये रहा इसका पल्लू, सी सो ब्यूटीफुल। इस साड़ी का मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन है आप बोल सकते हो मेरे लिए, क्योंकि ये हर किसी के ऊपर जचता है, ताकि वो गोरा हो या तो फिर सांवला हो, जैसे भी उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो कुछ भी हो ना, ये साड़ी सबके ऊपर जचता है, बहुत अच्छा लगता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये वाला साड़ी तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बस कुछ ही दिन पहले ही जो शांतनु भैया और मामपी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये है वही साड़ी, साउथ इंडियन सिल्क। तो इसको मैं और खोल के दिखाओ क्या, चलिए दिखाई देती हूँ। जो लोग आज मेरे चैनल पे मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार ये साड़ी खोल के दिखाई देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो फुल बॉडी है वो कुछ ऐसा है। ये सौरभ का जो फ्रेंड है शांतनु भैया और उनके वाइफ मम्पी, दोनों ने ये मुझे गिफ्ट किया था अभी रिसेंटली, दुर्गा पूजा के बाद ही उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये साड़ी मैं दिवाली के दिन मेरे बर्थडे वाली दिन मैंने ये साड़ी फर्स्ट टाइम पहनी थी, और अभी तक के लिए वही लास्ट टाइम है
नेक्स्ट का पेन गया ये रियली डोंट नो. ये देखिए ये है इसका पल्लू. ये अगेन मेरा फेवरेट कलर ग्रीन. ग्रीन ये थोड़ा सा पैरेट ग्रीन कलर है. पैरेट ग्रीन के साथ ऑफ वाइट और साथ में बेबी पिंक का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. और ट्रस्ट मी गाइज ये साड़ी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और इतना ज़्यादा इजी टू हैंडल है कि मैं बोल ही नहीं सकती. आप मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग इस साल का चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इस साड़ी का प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा. और यहाँ पे है और एक साड़ी, ये भी मुझे गिफ्ट में मिली थी शादी के टाइम पे. ये पापा के एक बहुत ही खास फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया है. और ये साड़ी मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है. लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के टाइम पे जब हम लोग नोएडा में रहते थे उस टाइम पे ये वाला साड़ी मैं फर्स्ट टाइम के लिए पहनी थी. अभी तक के लिए ये वही लास्ट टाइम के लिए मैं पहनी थी. नेक्स्ट कब पहनूंगी पता नहीं, लेकिन ये साड़ी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. गोल्डन कलर के साथ डार्क पिंक का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है और फुल बॉडी में ना ये छोटा छोटा डिज़ाइन बना हुआ है. और ये है नीचे की तरफ का हिस्सा, तो आप समझ ही सकते हो कि ये साड़ी कितना सुंदर है. बहुत सुंदर है ये वाला साड़ी, मुझे तो काफ़ी पसंद है. और बहुत ही है ना एक काइंड ऑफ सिल्की है, तो बहुत पसंद आया है मुझे ये वाला साड़ी. अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला साड़ी. ये भी मेरी शादी के टाइम का ही है. मेरे मायके की तरफ से ही हम सब लोग जाके शॉपिंग किए थे इस साड़ी का. ये एक कोई सिल्क है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट मी ये 3.5 साल हो गया इस साड़ी का. अभी तक ये नया है, नॉट ए सिंगल टाइम कि मैंने इसको पहना है, एक बार भी नहीं पहना. आज तक ये साड़ी मेरा नया है. इसका कलर भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पर्पल कलर, और इसके साथ गोल्डन कलर का कुछ ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है. और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है. और ये ना थोड़ा सा नेट नेट काइंड ऑफ है, लेकिन ये है सिल्क. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये नेट नेट काइंड ऑफ है. और इसका पार्ट जो है ना ये इतना चौड़ा है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. थोड़ा नेट काइंड ऑफ है लेकिन बहुत सुंदर है. और इसका पल्लू कौन सा है, ये एक्चुअली मैंने कभी खोला ही नहीं है ना, तो इसीलिए मुझे पता भी नहीं है. शायद यही पल्लू होगा, आई डोंट नो. चलिए टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ. तो ये है मेरा नेक्स्ट साड़ी, ये भी शादी के टाइम का ही है मेरे मायके की तरफ से. इसको भी मैंने एक ही बार पहनी है, इसको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ. हाँ तो ये देखिए ये कांजीवरम है. हाँ कांजीवरम है. तो ये मेरी मम्मी का बहुत ही पसंदीदा एक साड़ी है. ये साड़ी ना सच में मुझे इतना ज़्यादा लेने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जचेगा. लेकिन फिर वही अगेन ऑरेंज इज देयर, सो इसीलिए मेरे भाभी ने बोला कि ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जचने वाला है, वो भी शादी के बाद बाद एकदम नए दुल्हन जब आप रहते हो ना, ये सारे कलर ना आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है और वो नई दुल्हन वाली फीलिंग भी देती है. ठीक है, तो इसलिए मेरे भाभी ने बोला कि ये तो मस्ट बाई है, इसको तुमको लेना ही पड़ेगा जितना भी महंगा हो. हाँ ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दोनों बनारसी और ये बालूचरी के हिसाब से इतना तो नहीं, लेकिन हाँ कांजीवरम का तो प्राइस आप लोगों को पता ही है, 5.5-6-7 हज़ार के ऊपर ही ऑलमोस्ट होता है मैक्सिमम. तो ये वैसा ही दाम है, ऑलमोस्ट 10 हज़ार के आसपास इसका दाम था. तो इसलिए मैं और ज़्यादा ले नहीं रही थी कि इतना इतना महंगा साड़ी पता नहीं मैं कब पहनूंगी, लेकिन सबके रिक्वेस्ट पर फिर ये मैंने फाइनली ले लिया था. और लेने के बाद आज मुझे जाके लगता है कि नहीं ये वर्थ है सच में, क्योंकि ये कलर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जचता है ना. तो ये है इसका फुल बॉडी. ये देखिए फुल बॉडी इसका ऐसा बना हुआ है, ऑरेंज के साथ गोल्डन और रॉयल ब्लू और थोड़ी सी सिल्वर काइंड ऑफ भी है. तो ये ऐसा बना हुआ है. और ये वाला हिस्सा जो है ना डार्क वाला हिस्सा, ये है इसका कूची, यानी फ्लेयर्स जो है वो है इसका कूची. देखिए ये भी बहुत ज़्यादा शाइनी है ना, बहुत सुंदर है. और इसका आंचल जो है पल्लू वो है ये मैं शादी के बाद तो एक बार पहनी थी. उसके बाद मैं कोई मेरे फ्रेंड या तो फिर रिलेटिव के शादी के टाइम पे मैं पहनी थी, और ट्रस्ट मी मेरे फ्रेंड के रिसेप्शन में मैं ये पहनी थी. और ये इतना ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा था, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जच रहा था ना. पार्टी हॉल में जब भी आपके ऊपर वो शादी वाला लाइट वगैरह सब कुछ आता है ना प्रॉपर, तो उस टाइम पे ये साड़ी का जो लुक है वो टोटली इससे डिफरेंट है. मतलब यू कांट इमेजिन. मेरे पास वो सारे पिक्चर्स शायद अभी नहीं है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती. और यहाँ पे है और एक साड़ी, लास्ट है क्या? हाँ ये लास्ट वन है. तो ये भी मेरे शादी के टाइम का ही एक साड़ी है, क्योंकि मेरे मायके से दिया था. इस साड़ी को भी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है. ये साड़ी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था पता है, अगेन वही पर्पल के साथ कुछ डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन वाला एक साड़ी है. और फुल बॉडी इसका ऐसे छोटा छोटा फ्लावर्स काइंड ऑफ बना हुआ है, फ्लोरल प्रिंट, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. ये देखिए
लेकिन ये एक बार भी मेरा पहना नहीं हुआ है। इसका भी ब्लाउज वगैरह सब कुछ प्रॉपर मेरा बनाया हुआ है। देखिए फुल बॉडी इसका ऐसा काम किया हुआ है, कितना सुंदर है ना। और इसका पल्लू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सिंपल है इसका पल्लू लेकिन बहुत ज़्यादा क्लासी है, बहुत ही क्लासी है, बहुत ही सोबर है। तो ये ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहनने से ही मेरा एज 5 साल कम होने वाला है, सीरियसली। देखिए जोक्स अपार्ट, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट साड़ी था लेकिन इसको आज तक पहनने का मौका ही नहीं मिला। सो आई होप कि कुछ भी ओकेशन आ जाए आमने सामने तो फिर ये साड़ी को ना, स्पेशली जिनको अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया उन साड़ी को मुझे एक बार डेफिनेटली पहनना है। वाह सच में यार ये वाला साड़ी मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। वाह मैंने इसको क्यों इतने दिन तक नहीं पहना, रियली मुझे ना अभी खुद के ऊपर एक गिल्टी फील हो रही है, इतना अच्छा लुक दे रहा है ये साड़ी मुझे, ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं पहन लेंगे। सो ये था मेरा साड़ी का कलेक्शन और अभी तो आप देख ही सकते हो मेरा 6x7 feet का बेड में मैंने पूरा साड़ी ब्लाउज सब कुछ बिछा के जो मेस मैंने क्रिएट करके रखी है इसको अभी साफ करते करते रात हो जाएगा। सो आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय।